नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन, स्वागत है आपको हमारे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हिंदी 40 वर्ड फॉर्मेट का जो स्टेटमेंट होता है उसको फॉर्मेट करके बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल नोटिफिकेशन आइकन हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फॉर्मेटिंग जो है पता चल सके। तो चलिए हम फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको चीज करना क्या है, क्वेश्चन साइड में जो जो अपना स्टेटमेंट होता है उसी तरह से आपको राइट साइड में आंसर साइड में स्टेटमेंट आपको टाइप करना है। जिस सेल से वो स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है उसी सेल से आपको राइट साइड में स्टेटमेंट टाइप करना है। देखिए, मैंने टेस्ट स्टेटमेंट जो है टाइप कर लिया है, अब यहाँ पे B3 से मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कॉलम की विड्थ होती है उसको सबसे पहले एडजस्ट करना है अपने पर्टिकुलर्स के हिसाब से। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सी कॉलम की थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दी है सही से, ताकि जो कंटेंट है सही से दिखाई दे। उसके बाद डी की थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ जिसमें लीटर डॉट्स होते हैं। और आपको क्या करना है, ई एफ जी एच ये 4 कॉलम होते हैं, उनकी एक जैसी विड्थ रखनी है। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, हेडिंग सेलेक्ट करना है, उसमें बोल्ड और अंडरलाइन करना है। एंड फिर आपको सिलेक्ट करना है B3 to H3। इतना सिलेक्शन लेने के बाद आपको करना है होम टैब अलाइनमेंट ग्रुप में जाके मर्जन सेंटर। एंड इसका जो फॉन्ट साइज होता है उसे आपको बढ़ाना पड़ेगा 16:16। ओके, उसके बाद उसके नीचे जस्ट आइए आप नीचे वाली रो में, यानी कि 4th नंबर की रो में। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए आप B4 to H4। एंड आपको अगेन जाना पड़ेगा होम टैब अलाइनमेंट ग्रुप में, वहाँ पे मर्जन सेंटर का जो ड्रॉप डाउन एरो है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ से करना है आपको मर्ज अक्रॉस एंड यहाँ पे राइट अलाइन आपको कर देना है। इतना होने के बाद आपको करना क्या है, उसके नीचे आना है जस्ट B5 और B6, ये 2 सेल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है अगेन होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में जाके मर्जन सेंटर एंड इसे आपको बोल्ड करना है। होम टैब फॉन्ट ग्रुप में जाके आपको इसे बोल्ड करना है। ठीक है, तो ये मैंने बोल्ड कर दिया। उसके बाद उसके राइट साइड में आइए, यहाँ पे आपको C5 D5 C6 D6 ये 4 सेल सेलेक्ट करनी है। अगेन यहाँ पे आपको मर्जन सेंटर एंड बोल्ड कमांड यहाँ पे अप्लाई करनी है। उसके बाद E5 F5 को सिलेक्ट कीजिए, मर्जन सेंटर कीजिए, बोल्ड कीजिए। देन G5 H5 को सिलेक्ट कीजिए, अगेन मर्जन सेंटर, बोल्ड कर दीजिए। उसके बाद E6 to H6 आप सिलेक्ट कीजिए, इसे सेंटर अलाइन कर दीजिए। जो सब हेडिंग्स है उनको सेंटर अलाइन करने के बाद आपको उसे बोल्ड करना है। तो इतना सब कुछ करने के बाद अब देखिए, यहाँ पे नंबर्स पे आ जाइए आप। सो नंबर को आपको यहाँ पे सेंटर अलाइन करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, नंबर जो है आपको मैनुअली 1, 2, 3 ऐसे टाइप नहीं करना है, यहाँ पे आपको फील कमांड यूज़ करना है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। सो देखिए, यहाँ पे आपको 1 टाइप करना है, जो 7 है B7 में, उसे सेलेक्ट करना है इस तरह से। फिर जाना है आपको होम टैब एडिटिंग ग्रुप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा एडिटिंग ग्रुप, यहाँ पे फिल पे चाहिए, सीरीज़ पे क्लिक कीजिए, सीरीज इनको कॉलम कर दीजिए क्योंकि कॉलम को फिल करना है हमें। एंड स्टार्ट वैल्यू 1 एंड स्टॉप वैल्यू आपको 8 तक लाना है, इसलिए 8 यहाँ पे टाइप कीजिए और ओके बटन प्रेस कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे, मेरा ऑलरेडी नंबर्स ऐड है तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अब पूछेंगे कि किस लिए सर, हम तो डायरेक्टली भी मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन क्या है, टाइम कम होता है हमारे पास, टाइम बहुत जल्दी चला जाता है 40 के स्टेटमेंट में, इसलिए हमें फिल कमांड यहाँ पे यूज़ करना है, बस उतना ही है उसका। सो देखिए, उसके बाद आपको ये जो पर्टिकुलर्स है इनको सेलेक्ट करना है, जैसे कि C7 to C14। एंड यहाँ पे आपको जो इसका इंडेंट होता है इंक्रीज करना है 1 से, 1 टाइम इंक्रीज इंडेंट करना है। उसके बाद जो लीडर डॉट्स है उन्हें सेलेक्ट करना है पूरे, और उन्हें मिडल अलाइन यहाँ पे आपको देनी है। ठीक है, इस तरह से आप फॉर्मेट कीजिए। उसके बाद देखिए, अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसके जो आंसर्स है वो निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आपको पता ही होगा या फिर नहीं भी पता होगा, सो जो 40 का स्टेटमेंट होता है उसमें आपको आंसर्स निकालने पड़ते हैं इन वैल्यूज़ के। तो 4 क्वेश्चंस दिए रहते हैं क्वेश्चन साइड में। सो देखिए, अब मैं यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे हमें निकालना है सम निकालना है तो इन वैल्यूज़ का E15 में। तो देखिए, मैं यहाँ पे सम का फंक्शन यहाँ पे यूज़ करता हूँ होम टैब में जाके। सो यहाँ पे मैंने सम का फंक्शन यूज़ किया। अब देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया सारा, क्योंकि है मैं अभी यहाँ पे एक्सेल में बना रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में ऐसा ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं होगा, आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एवरेज हम निकाल के बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम, यानी कि G15 में मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल के देते हैं, एंड यहाँ पे मिनिमम की वैल्यू। इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है एग्ज़ाम में और एंटर प्रेस करना है। तो इस तरह से 4 आंसर्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। सो उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए,
स्टेटमेंट यानी कि हेडिंग को छोड़ के और उसके नीचे के रो को छोड़ के। यहाँ से देखिए आप, ठीक है, सबसे पहले मेन हेडिंग आप सिलेक्ट कीजिए। मेन हेडिंग सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाएंगे होम टैब फॉन्ट ग्रुप में, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर हम यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए उसके बाद आपको जो वन है वहाँ से सिलेक्ट करना है, जो लास्ट स्टैटिस्टिकल डेटा है आंसर को छोड़ देना है, वहाँ पे सिलेक्ट करके आपको वहाँ पे लगाना है आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, होम टैब फॉन्ट ग्रुप में होता है बॉर्डर का ऑप्शन। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर्स है और लीडर डॉट्स है उनको आपको सिलेक्ट करना है दोनों के कॉलम्स को, और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर लगानी है। देन ये जो स्टेटिस्टिकल डेटा है वो सारा आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा बॉर्डर्स में, मोर बॉर्डर में आपको जाना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर्स लगाना है, इसलिए यहाँ पे हमें मोर बॉर्डर में जाना पड़ता है। अभी लोड होने में थोड़ा समय लगा रहा है मेरा कंप्यूटर, वेट करते थोड़ा सा। इस तरह से आपको यहाँ पे बॉर्डर्स याद रखनी पड़ेंगी, अलग अलग बॉर्डर्स लगाना पड़ता है। तो देखिए आगे यहाँ पे मिडल इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर आपको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको ओके करना है। तो देखिए बॉर्डर्स यहाँ पे लग गई है। अब रह गए हमारे आंसर्स, आंसर को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अगेन बॉर्डर में जाके यहाँ पे ऑल बॉर्डर यहाँ पे आपको लगानी है। तो ये हो गई आपकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे। अब दो चीज़ें आपकी यहाँ पे रह गई है, आपको करना क्या है, पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। स्टेटमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसके इनसाइड सॉरी वर्टिकल मिडल अलाइन करना है इसे। इस तरह से आपकी ये अलाइनमेंट लग गई, और अगेन आपको यहाँ पे जाना है होम टैब सेल ग्रुप में। सेल ग्रुप में यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करना है, रो हाइट पे क्लिक करना है, रो हाइट जो होती है 25 एडजस्ट करनी होती है। ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आपकी हाइट जो है रो हाइट एडजस्ट हो गई है। तो ये कंप्लीट यहाँ पे आपकी फॉर्मेटिंग हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक बटन प्रेस करना है वीडियो के नीचे, और सब्सक्राइब करना है चैनल को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।